खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में अभ्यर्थियों को न्यायिक पदों पर तैनात होने के लिए अच्छे परीक्षण की आवश्यकता होती है। अभ्यर्थियों को सफलता का मंत्र देने के लिए गौतम लॉ स्टूडियो पॉइंट का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के परिसर में किया गया। बता दें कि न्याय क्षेत्र में अनेक पदों पर तैनात होने के लिए अभ्यर्थी अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक प्लेटफॉर्म की तलाश है जिसे अभ्यर्थियों को देने के लिए गुंजन गौतम द्वारा गौतम लॉ स्टूडियो पॉइंट के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के परिसर में शुरुआत की है। आपको बता दें जिसका उद्घाटन आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमन सिंह राघव एवं महासचिव जितेंद्र कुमार लोधी तथा सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह एवं महासचिव गौरव माहेश्वरी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया, जिसके उपरांत माँ सरस्वती की स्मृति पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी अतिथियों को डायरेक्टर दीपिका द्वारा गुलदस्ता देकर अतिथियों को सम्मानित किया गया, जिसमें गौतम लॉ स्टूडियो पॉइंट में डायरेक्टर गुंजन गौतम एवं बिहार से आए कोर्ट डायरेक्टर दीपिका द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। और उसका परिणाम, उसका कारण ये भी है, उन लोगों ने जीवन में बड़ी मेहनत की। आप लोग यदि 18 घंटे तो बहुत होते हैं, अगर मिनिमम 10 घंटे रोज भी इस दुनियादारी को छोड़कर यहाँ आए, फालतू समय बर्बाद ना करें। अगर आते हैं तो यह इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, शायद ही कहूं इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर आपका फालतू समय है, मेरे अपनी तरफ से आपको आश्वासन है कि आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, बस सकते आप एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाएंगे तब उसमें लाइब्रेरी में प्रवेश होगा, वरना प्रवेश बाहर के लोगों को वहां निषेध है, सिर्फ अधिवक्ता जा सकते हैं। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका भविष्य अभी उज्ज्वल है,